हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने विंडो 10 के जो है अपडेट को कैसे रोकेंगे जो कि आपका बहुत ज़्यादा नेट को खा जाता है। और ये करना बहुत ही ईजी है, कुछ स्टेप आपको बस फॉलो करने हैं ईजिली। जैसे आप सभी के चाहे विंडो 10 हो, चाहे विंडो 7 हो, या विंडो XP हो, XYZ कोई सा विंडो हो, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है दिस PC, माई PC या कंप्यूटर, माई कंप्यूटर। उस पर आपको करना है लेफ्ट क्लिक, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करने पे ये वर्ड देख रहे हैं मैनेजर, आपको इस मैनेजर पे करना है क्लिक। तो ये मैंने कर दिया क्लिक मैनेजर पे, और मैनेजर पे क्लिक करते ही आपका जो है पीसी का पूरा मैनेजर आपके सामने खुल के आ जाएगा। और आते ही आपको उसमें कुछ और स्टेप्स फॉलो करने हैं। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे जो है हैवी सॉफ्टवेयर यूज किए हुए हैं जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी है, जैसे ब्लू स्टार्स है और इस तरह के बहुत सारे इसमें पड़े हैं। तो जब आपके सामने इस तरीके का ये जो मैनेजर है ये ओपन हो गया, आपके कंप्यूटर का मैनेजर, आपको फिर जाना है सर्विस एंड एप्लीकेशन में। यहाँ पे आपको करना डबल क्लिक, और फिर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे सर्विस एंड WMI कंट्रोल। आपको क्लिक करना है सर्विसेज पे, यहाँ पे मैंने किया डबल क्लिक, और डबल क्लिक करते ही आप जो है एक नए पेज पे चले जाएंगे और आपके सामने आपकी जितनी सर्विस है पूरे के पूरे लैपटॉप में वो आ जाएंगे। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कितने सारे सर्विसेज को यूज़ किया हुआ है, एक्टिव एक्स इंस्टॉलर, एडोब और इस तरह की बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर है मेरे में पड़े हुए हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है, बिल्कुल नीचे की तरफ जहाँ W वर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नीचे से आप नीचे से देखेंगे तो यहाँ है आपका विंडो अपडेट, तो आपको इस पे करना है क्लिक। डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आएगा मैनुअल, तो ये मैनुअल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्लिक करते ही आपको इसे कर देना डिसेबल, ऑटो नहीं करना आपको, आपको करना है डिसेबल। डिसेबल पे करना है क्लिक, और क्लिक करके आपको करना है स्टार्ट। जैसे आप स्टार्ट कर देंगे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है डिसेबल हो गया है, और उसके बाद आपको यहाँ पे करना है अप्लाई और सिंपली कर देना ओके। ओके वर्डिंग को जैसे आप कर देंगे तो ये जो है आपका विंडो अपडेट वो डिसेबल हो गया, और आपका जो है लैपटॉप बहुत ही कम जो है आपका डाटा को खाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें लग जाता है। कई बार मेरा ऐसा होता था पहले जब मेरे को इसके नॉलेज नहीं थी, मेरा 2 के 2 GB जो है डाटा इसमें 1 घंटे में उड़ जाता था और मेरे को पता भी नहीं चलता। बाद में जब मुझे पता चला, मेरे फ्रेंड ने बताया ऐसा होता है, फिर हमने उसकी सेटिंग की, फिर जो है मेरा डाटा बिल्कुल ही लो हो गया, मतलब यूज इसमें। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।